तो फिर से टाइम आ चला है ऑसम कैमरा ऑसम डिस्प्ले और लॉन्ग लास्टिंग बैटरी लाइफ के फोन का। बेसिकली सैमसंग ने यार एक प्रीमियम मिड रेंज के अंदर नया फोन लॉन्च कर दिया है जो कि गैलेक्सी A73 5G। एंड भाई ये बहुत ही ज्यादा अद्भुत फोन लग रहा था, जल्दी से अनबॉक्स करते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें जो आपको मैं जल्दी से बताता हूँ। ए सीरीज काफी ज्यादा तगड़ी रहती है और आपको भाई सस्ते में फ्लैगशिप फीचर्स दे देती है तो बहुत ही ज्यादा मजा आता है। जैसे कि हमारे को इसके अंदर मिलता है 108 कैमरा सेंसर विद OIS फॉर फोटोज एंड वीडियोस और गैलेक्सी S22 अल्ट्रा के बाद ये पहला फोन है जिसके अंदर ये आ रहा है और उसके साथ साथ इसमें 120 हर्ट्ज की हमारे को सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है और साथ ही साथ भाई मस्त IP67 की रेटिंग मिल जाती है। तो आप फोन को मस्त डुबकी लगा सकते हो डुबकी में। फीचर्स ऑसम है लेकिन भाई फटाफट से फोन ओपन कर लेते हैं। तो भाई जैसे देख सकते हो डब्बा काफी बढ़िया है, कलरफुल, तो ये मिंट कलर है शायद मेरे पास जो है। डब्बा ओपन कर लेते हैं और आप देख सकते हो डब्बा थोड़ा सा पतला हो चुका है। फोन कहाँ है? फोन तो हमारी जेब के अंदर है। वाह वाह क्या बात है। A73 ये फोन मैं एक्चुअली यूज कर रहा हूँ 2-3 दिन से, तो इसलिए भाई हमने पहले अनबॉक्स किया ताकि आपको अच्छे से बता पाए। तो ये मिल जाता है हमारे को फोन एंड उसके साथ ये रहा भाई इधर हमारे को एक USB Type-C व्हाइट कलर केबल एंड सिम इजेक्टर पिन। तो ये बॉक्स छोटा सा क्विक अनबॉक्सिंग बढ़िया मजा आ गया। सो फोन को भाई जब मैंने पहली बार अनबॉक्स करा था लिटरली ये फोन बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है। एक्चुअली ये 181 ग्राम का और ये ए सीरीज का सबसे स्लिमेस्ट फोन है जो कि अराउंड आता है 7.6 mm के ऊपर। तो बहुत ही आपको पसंद आएगा फोन एंड इन हैंड फील जो सच में इसकी अच्छी है, लाइक वेट बैलेंस बहुत अच्छी तरीके से कराया गया है फोन। और आजकल फोन आपको पता है भारी भरकम आ रहे हैं बट ये सच में काफी ज्यादा बढ़िया सा लग रहा है। एंड बाकी आप डिजाइन देखोगे तो आपको काफी ज्यादा बॉक्सियर आता है इस बार, हल्का सा राउंडेड भी मिल जाता है। तो अगर आप ग्रिप करोगे फोन तो अच्छे से इजिली ग्रिप हो जाता है, कोई इसमें इशू नहीं आता। मतलब डिजाइन वाइज काफी अच्छा है, कलर मेरे को काफी पसंद आया भाई। और ये जो बैक की बात करी जाए तो उसमें हमारे को मैट बैक देखने को मिलती है और ये एक पॉलीकार्बोनेट बैक है। इसमें सीन ऐसा रहता है कि आपको कोई भी स्मजेस और फिंगरप्रिंट नहीं आते, तो इस वजह से ये फोन जो है ना काफी ज्यादा प्रीमियम डिजाइन के साथ आ जाता है। हमारे पास ये है एक ऑसम मिंट कलर जैसे मैंने बताया और इसके साथ साथ एक्स्ट्रा 2 colors और आते हैं, एक ऑसम ग्रे एंड ऑसम व्हाइट जो कि आपको और अच्छे लगेंगे बट मेरा तो भाई पर्सनल फेवरेट सा लग रहा है, मस्त मजा आ रहा है इसको देख के। सो भाई अब बात कर लेते हैं भाई फोन के कैमरास की। यहां पे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सेटअप मिलता है एंड एक चीज ज्यादा स्टार्टिंग में ही भाई सैमसंग की जो ए सीरीज के स्मार्टफोन होते हैं जो कैमरास होते हैं ना सीरियसली बहुत ही ज्यादा क्रेजी होते हैं। तो इसमें जो मेन कैमरा है वो है 108 megapixel का OIS कैमरा जिसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है। देन सेकंड कैमरा हमारे पास यहाँ पे 12 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर है। देन यहाँ पे थर्ड कैमरा जो है वो है 5 मेगापिक्सल का मैक्रो, 5 मेगापिक्सल का एक बोके कैमरा देखने को मिल जाता है। और आफ्टर गैलेक्सी अल्ट्रा सीरीज ये फोन पहला ऐसा है जिसमें कि ये वाला सेंसर यूज करा गया है 108 megapixel वाला। तो फटाफट से अगर आपको फोटोज की क्वालिटी की बात करूं तो भाई ये जो पोस्ट प्रोसेसिंग है वो सच में कमाल की। अगर आप लोग भाई डे लाइट के अंदर शॉट्स लेते हो जो डायनामिक रेंज फोन कैप्चर करता है वो चुम्बेश्वरी है। और आप लोगों को यहाँ पे भाई डायरेक्टली पता चल जाएगा, यहाँ पे भाई मैंने एक दिन में लाइक फोटो खींची जो बिल्कुल हार्श सनलाइट के अंदर फोटो थी, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्रिस्प डिटेल्स यहाँ पे निकल कर आती हैं। और ऐसे इंडोर शॉट्स अगर आप देखो मैंने काफी सारे लिए हैं जिसके अंदर की जो डिटेल्स है वहाँ पर बहुत अच्छे से मेंटेन कर लेता है ये। तभी जैसे मैं पोस्ट प्रोसेसिंग की बात करता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो जो अल्ट्रा वाइड शॉट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे आ जाते हैं एंड जो आफ्टर प्रोसेस होने के बाद इमेज जो निकल कर आती है वो बहुत अच्छी आती है। एंड प्लस आप इधर एक चीज दिखाता हूँ आपको, जो नाइट मोड है ना इसको वो भी बहुत ही ज्यादा सही लगा मुझे। आप देख सकते हो मैं यहाँ पे चलते हुए फोटो क्लिक कर रहा था मार्केट के अंदर, शॉट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं और ये पिच ब्लैक था, बस स्ट्रीट लाइट ऑन थी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको भाई मस्त दिख जाता है, नमकीन नमकीन की दुकानें हैं। फोन के अंदर फोटोस काफी अच्छी आ रही है एंड मैंने इसमें एक 108 megapixel वाली फोटो क्लिक करी थी तो डिटेल जो है ऑब्वियसली भाई अच्छी मिल ही जाएगी। इसका जो नाइट मोड है 44% बिगर पिक्सल्स कैप्चर करता है प्रीवियस गैलेक्सी A72 से। एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 12 फोटोज कंबाइन करता है AI जिसकी वजह से हमारे को नाइट शॉट जो है काफी ज्यादा अच्छे आ जाते हैं। एंड ऑब्वियसली भाई जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया इस फोन के अंदर हमारे को OIS देखने को मिलता है, तो ये OIS जो है भाई वीडियो के अंदर भी काम में आ जाता है। तो आपको अगर नॉर्मल रात को फोटोज क्लिक करनी है जिसमें कि आपको हाथ बहुत स्टेडी रखने पड़ते हैं तो आप लोग इजिली इस पर कर पाओगे OIS के अंदर। और उस साथ अगर आप लोग वॉकिंग वीडियो बना रहे हो तो वो स्टेबलाइज कर देता है बहुत सही। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ साथ इसके अंदर आपको वीडियो AIS भी देखने को मिल जाता है जिसकी मदद से आप लोग सुपर स्टेडी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और जिटरनेस एंड जो भी आपको ऐसे बम्प्स होते हैं उसकी दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं आएगी। उसके बाद भाई फोन के अंदर हमारे को एक्स्ट्रा कूल फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जैसे कि ऑब्जेक्ट इरेजर। अब जैसे कोई अनवांटेड प्रोडक्ट या फिर कोई बंदा है जो आपको नहीं चाहिए अपने पिक्चर के अंदर, आप उसको इजिली अपनी फोटो से रिमूव कर सकते हो नॉर्मल ऑब्जेक्ट इरेजर में जाके। एंड इसको करना बहुत ही ज्यादा इजी है, सिर्फ और सिर्फ आपको ड्रॉ करना अपने सब्जेक्ट या फिर जो भी चीज उसके ऊपर और फिर आपको उस पर इरेज पे क्लिक करना है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा खत्म हो जाएगा वहां से। तो ये कूल फीचर है। सेकंड फीचर एक और फोटोज के अंदर वो है फोटो रीमास्टर का। अब अगर आपको फोटोज के अंदर थोड़ी सी फीकीनेस लग रही है
हालांकि फोन अच्छी फोटो को कैप्चर करता है लेकिन स्टिल आपको फीकी लग रही है, तो इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, आपको नॉर्मल एक रीमास्टर पिक्चर उस पर क्लिक करना है और आपकी फोटो को ये थोड़ा एनालाइज करेगा, उसकी बेस्ट सेटिंग उसके अकॉर्डिंग ये फोटो को आपको एक अच्छी बना के देगा और तो कलर जो है काफी अच्छे लगेंगे, डायनेमिक रेंज थोड़ी सी बेटर हो जाएगी, तो फोटोज यहाँ पे थोड़ी पॉपिनेस में आ जाती है। ये फोन भाई फ्रंट में सपोर्ट करता है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। अगर आप यहाँ पे फोटोज देखोगे उसकी वो भी अच्छी आती है। यहाँ पे जो स्किन टोन है ना ये फोन बहुत ही अच्छी मेंटेन करता है, जो लाइक स्किन टोन है ना वो सच में बहुत अच्छी कैप्चर करता है, जिससे कि जो सेल्फी आती है ना बहुत डिटेल्ड और बहुत सही आती है और मेरे को कलर्स भी यहाँ पे बहुत बैलेंस रखे। बाकी आपको डायनेमिक रेंज का भी इसमें थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से हैंडल करता है अगर पीछे से बैकलाइट आ रही हो तो। सो भाई क्या नमस्ते टेस्ट कर लिया, अब आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर जो कि भाई इसकी बहुत ही ज्यादा ऑसम डिस्प्ले। हमारे को यहाँ पे 6.7 इंच की एक सुपर एमोलेड पैनल देखने को मिलता है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। एंड भाई सैमसंग की डिस्प्ले से आपको पता है एक चीज तो खूब होती है, वो होती है क्वालिटी। आप जब इस डिस्प्ले को देखोगे तो ऑब्वियसली वैसे कॉन्ट्रास्ट जो कलर है पंचीनेस है वो ऑन पॉइंट रहता है। बाकी यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर सेटिंग्स आपको काफी सारी मिल जाती है, इसको आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। अडैप्टिव कंफर्ट शील्ड हो गई, स्क्रीन मोड हो गया, हमें तो मस्त विविड अच्छे अच्छे टमाटर रंग देखना पसंद है इसलिए हमने ऐसे सेट कर रखा है। एंड नो डाउट भाई डिस्प्ले के अंदर आपको सारी HDR सर्टिफिकेशन मिल जाती है। आप देख सकते हो नेटफ्लिक्स के अंदर भी हमारे L1 सर्टिफिकेशन मिल रही है, HDR केपेबल भी ये डिस्प्ले। अगर आप HDR कोई कंटेंट देखना चाहते हो नेटफ्लिक्स में आप इजीली व्यू कर सकते हो उसको। फन फैक्ट की बात, ये जो फोन है इसके अंदर जो डिस्प्ले यूज करी गई है वो 30% थिनर है यूजुअल सुपर एमोलेड डिस्प्ले, तो इस वजह से ये फोन जो है ना थोड़ा ज्यादा स्लिम हो जाता है और ज्यादा बेटर फील देता है। आप देख सकते हो बाकी भाई बेजल्स आपके सामने है, काफी कम है ओवरऑल राउंडनेस। HDR वीडियो प्लेबैक हो रही है, आप देख सकते हो कितने पंची कलर आ रहे हैं। तो ये एक एमोलेड डिस्प्ले, तो ऑब्वियसली हमारे को इसके अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। फटाफट से स्पीड चेक कर लेते हैं, तो आप देख सकते हो काफी ज्यादा फास्ट फोन खुल जाता है। बाकी ये जो डिस्प्ले ये प्रोटेक्टेड है वाया कॉर्निंग गोरिल्ला 5। तो अभी हम लोग ट्रेलर वॉच कर रहे थे, काफी तगड़ा जो डिस्प्ले है भाई वो तो भाई मजेदार है ही है। उसी के साथ हमारे को यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर सेटअप देखने को मिल जाता है, जिस वजह से जो साउंड है ना वो बहुत ही ज्यादा इमर्सिव लगती है, सच में बहुत अच्छा साउंड कर रहा है फोन। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो इस फोन के अंदर हमारे को स्नैपड्रैगन का 778G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है एंड ये वन ऑफ द फास्टेस्ट प्रोसेसर है 7 सीरीज के अंदर और ये प्रोसेसर 5G केपेबल है, तो उस वजह से इसमें आपको 9 5G बैंड सपोर्टेड मिल जाते हैं। इस वाले फोन के अंदर हमारे को 8GB रैम देखने को मिलते हैं जो कि LPDDR4X है और ये वाला जो मॉडल है मेरे पास ये 128G वाला है और इसमें 256G वाला भी आ जाता है। और फोन की मेमोरी जैसे मैंने बताया इसमें 8GB है लेकिन आपको इसके अंदर वर्चुअल रैम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो आप इजिली रैम प्लस के मदद से आप इसके अंदर 8GB तक की एक्स्ट्रा रैम अवेल कर सकते हो। ये तो हो गई ऑन पेपर स्पेसिफिक बात, अब आते हैं रियल वर्ल्ड टेस्ट के अंदर। तो फटाफट से दो चार चीजें करके देखते हैं फोन के अंदर भाई पता चल जाए कितना फास्ट है। अगर मान लो मैं अभी बैकग्राउंड सारी एप्लीकेशन क्लिक करता हूं, मैं फोन डायलॉग खोलता हूं, देख सकते हो फास्ट खुल गया एंड उसके साथ अगर मैसेजेस खोलते हैं तो खुल जाता है। अब यहां पे कैमरा खोल के जैसे देखें तो भाई कैमरा भी इंस्टेंटली खुल ही जाता है, यहां पे देख सकते हो आप। प्लस इस फोन के अंदर हमारे को लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर की वेपर चैंबर और हीट पाइप दोनों कंबाइंडली वर्क करते हैं, जिससे कि जो हीट आपकी ज्यादा अच्छे से स्प्रेड आउट हो जाती है और फोन ज्यादा ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस में हीट नहीं होता। तो अभी हम फटाफट से गेम खेल के देखते हैं। BGMI की सेटिंग की बात करें तो स्मूथ एक्सट्रीम का ऑप्शन मिल जाता है, HDR एंड अल्ट्रा का ऑप्शन मिल जाता है, तो ऑप्शन वाइज तो सही है, आप लोग इस पे अच्छे से गेम खेल पाओगे। तो ये अभी हम जो है HDR अल्ट्रा के अंदर खेल रहे हैं, आप देख सकते हो भाई ग्राफिक्स क्वालिटी विद डिस्प्ले क्वालिटी सब कुछ भाई अमेजिंग आ रहा है। सबसे बड़ी बात फोन लाइट वेट है ना, तो हाथ में होल्ड करने में लाइक आपको ऐसे ज्यादा भारीपन नहीं लगेगा और ज्यादा देर तक आप गेम आराम से खेल पाओगे। सर गेमिंग हमने अच्छे से कर लिया एंड जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा सही रही। एंड प्लस पॉइंट की बात ये कि अभी जैसे हमने एक मैच खेला इसके अंदर तो फोन ऐसा कुछ ज्यादा हीट भी नहीं हुआ, लाइक नॉर्मल गर्मियां तो आई गई हैं लेकिन आप अगर ऐसे कमरे में बैठ के खेलोगे तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। सैमसंग के फोन से भाई एक चीज मेरे को बहुत ज्यादा रिसेंटली पसंद आई वो है भाई इनके जो अपडेट साइकिल बहुत तगड़ी कर दिया, उसमें 4 साल का एंड्रॉइड अपडेट देखने को मिलेंगे और 5 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेंगे, तो ये बहुत ही लंबा समय होता है और सैमसंग ये चीज करने से ना भाई दिल को खुशी सी हुई है मेरे को बहुत ज्यादा। और आप देखोगे तो इसके अंदर हमारे एंड्रॉइड 12 देखने को मिल जाता है विद 1UI 4.1 और आपको भाई इसमें कस्टमाइजेशन में काफी ज्यादा अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे अगर आप वॉलपेपर स्टाइल के अंदर जाते हो तो आपको ये वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि कलर पैलेट का, तो आप यहाँ पे जो अपने वॉलपेपर के अकॉर्डिंगली कलर सेट कर सकते हो एंड ये बहुत ज्यादा सही लगता है मेरे को फीचर लिटरली यार। और प्लस पॉइंट इसके अंदर आपको और भी चीजें मिल जाती है, जैसे कि इसके हमारे को सिक्योर फोल्डर मिलता है जो कि सैमसंग नॉक्स की तरफ से बिल्कुल सिक्योर्ड है फुली, आप उसको आराम से एक्सेस कर सकते हो नोटिफिकेशन ट्रे से एंड देख सकते हो बहुत इजीली सेटअप हो जाता है। बाकी एक चीज अच्छी और हो गई कि आपको टॉवल जो है ना काफी सारे मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो NFC मिल जाती है, NFC के जरिए इसके अंदर हमारे सैमसंग पे का
ऑप्शन भी इस बार मिल रहा है फाइनली इस फोन के अंदर, तो आप लोग वो भी यूज कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। इस फोन के अंदर One UI 4.1 की मदद से बैटरी के अंदर भी काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि इसमें हमारे को एडाप्टिव बैटरी का ऑप्शन मिलता है, क्योंकि एप्लीकेशन है उसको लिमिट कर देगा फालतू की बैटरी यूज करने से। जैसे हमने स्टार्टिंग बोला भाई फोन काफी ज्यादा स्लिम है, लेकिन भाई ये स्लिम फोन पे मत जाना, अंदर जो बैटरी है 5000 mAh की है। अगर आप 25 वॉट्स के चार्जर से इस फोन को चार्ज करोगे तो ये फोन जो है 50% अराउंड 30 मिनट्स के अंदर हो जाएगा, बट आपको चार्जर जो है यहाँ पे एडिशनली लेना पड़ेगा। सो भाई अब आ जाते हैं भाई फोन के कंक्लूजन के ऊपर। तो ये फोन जो है ना मेरे को पर्सनली सच में एक बहुत ही सही लगा। एक्चुअली आपको क्या है ना कि जो सैमसंग के इन फोनों के साथ रहता है कि आपको इसमें जो फ्लैगशिप फीचर्स है वो थोड़े कम बजट में मिल जाते हैं, जो एक बहुत ही प्लस पॉइंट रहता है। जैसे कि सैमसंग इनॉक्स सिक्योरिटी हो गई, सिक्योर फोल्डर हो गया, एंड्रॉइड अपडेट्स हो गए, एक अच्छा कैमरा सेटअप हो गया जो कि आपको सच में बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है, और प्लस जो इतनी प्यारी प्यारी डिस्प्ले है। इसकी जो इफेक्टिव कॉस्ट है अराउंड आ जाती है डिस्काउंट के बाद जो कि 3000 रुपए का, अगर आपके पास ICICI और SBI कार्ड है तो वो आ जाती है 39,000 रुपीज बेस वेरियंट के लिए। और प्लस भाई यहाँ पे सैमसंग के जो गैलेक्सी बर्ड्स लाइव है वो भी आपको सिर्फ 499 में मिलते हैं अगर आप इस फोन को लेते हो, चाहे आप कैशबैक लो या ना लो, आप 499 के अंदर यहाँ पे सैमसंग के गैलेक्सी बर्ड्स लाइव ले पाओगे। बाकी सैमसंग फाइनेंस प्लस पे भी आपको 2000 रुपए कैशबैक मिल रहा है। तो बस यार आज की वीडियो के अंदर इतना ही, मुझे डेफिनेटली आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसा लगा भाई सैमसंग का गैलेक्सी A73। मुझे तो काफी ज्यादा पसंद आया, और आप लोगों को पसंद आया नहीं तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना, और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गाइस बाय बाय।